यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। तुम्हारे आदमी ने पाड़ा बेच दिया है, मैं पाड़े को लेने आ रहा हूँ। घर पे है तुम्हारा आदमी? वो तो घर पर नहीं है। अच्छा, तो पाड़े के पैसे मिलते ही बेटा मौज मस्ती करने लग गया है। हेलो हेलो, लेकिन आप है कौन? क्या समझते है तुम अपने आप को? मेरे भट्टे की सब्जी खा के तुमने बहुत बड़ा लफड़ा उखा लिया है। आइंदा से अगर मेरे भट्टे की सब्जी खाई तो दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे, ध्यान रखना। साले बहुत दिनों बाद दिखा है, आज से तेरा कुर्ता फाड़ दूंगा। अबे चिल्ला मत रे भूतनी के, नहीं तो यही खड्डा खोद के तेरे को गाड़ दूंगा, समझ गया? हरबू, तेरे टकले में आज भी एक भी बाल नहीं आया। पहले भी गंजा था और आज भी गंजा है, मान गए तुझको? बदला तो तू भी नहीं है साले, पहले भी काला कट था और आज भी काला कट है, कोयले की तरह। नहीं देव, मैं इस बार तुम्हें ना तो लहसुन बोने दूंगी ना कांदे बोने दूंगी। तुमने पिछली बार भी लहसुन बोई थी और हम घाटे में गए थे। देव मेरी बात मानो, मैं सच कह रही हूँ, इस बार तुम मक्का बोओ, मक्का मक्का से हम करोड़पति बनेंगे। लहसुन कांदे मत बोओ, तुम्हारी कसम मक्के में बहुत फायदा है, लहसुन कांदे के चक्कर में मत पड़ो। तुझे बोला था ना मैंने कि 10,000 रुपए कुंटल हो गई है लहसुन, बेच दे। पर तू, तेरे को करोड़पति बनना था साले, 20,000 रुपए कुंटल चाहिए थी, अब ले ले घंटा। बोला था ना कि लहसुन कांदे की खेती मत करा कर, बर्बाद कर देगी। अब मैं तो करूँगा धनिया और मक्के की खेती, तेरे को तो समझ में नहीं आती है। तू अपनी खेती में बोना लहसुन कांदे, मैं तो अपनी खेती में मक्का ही बोऊंगा, ठुसा ले दिमाग में। अब बेटा क्या है, जा कांदा को रोप लेके आ साले, फिर से बोएंगे। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ शिल्पा शेट्टी ने भी इस बार कांदे और लहसुन को छोड़ के मक्का बोने का फैसला किया है, तो क्यों ना अपन भी मक्का बोए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए वीडियो पाने के लिए बेल प्रेस आइकन पर क्लिक कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए।